तो आज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के लिए वोटिंग जो है वो लगातार आज जारी है और ये वोटिंग आज सुबह 9 बजे शुरू हुई है और ये दोपहर को 1 बजे तक चलेगी। उसके बाद 3 बजे जो है वो काउंटिंग होगी और आज चेयरमैन जो है वो ब्लॉक का चुना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पहली बार होने जा रहे हैं और धारा 370 को तोड़ने के बाद ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में देखी गई है। और इससे पहले जो बात की जाती थी कि जम्मू कश्मीर में कब 3-tier सिस्टम जो है वो लागू होगा, लेकिन आपको ये बताते चले कि जिस तरह से एक बड़ा एप्रिशिएबल जो स्टेप गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार ने लिया था, जो पिछले साल पंचायती इलेक्शन करवाए थे और वो फर्स्ट टीयर कंप्लीट हुआ था और अब सेकंड टीयर आज कंप्लीट हो जाएगा यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव। और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जो है वो भी जल्द जम्मू कश्मीर में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार होने जा रहे हैं और मैं इस वक्त भी सांबा ब्लॉक में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरपंच पंच जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो आज उन्हें चुनेंगे और उसके लिए वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। और अगर सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला के 9 ब्लॉक्स हैं जिसमें 893 टोटल वोटर हैं जो सरपंच पंचित हैं, जिसमें अगर मेल वोटर्स की बात करें तो लगभग 593 हैं और फीमेल वोटर्स की बात करें तो लगभग 300 हैं और 101 पंचायत है जिला सांबा की जहां पर आज ये वोट डाले जा रहे हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से इस बार जो सरपंच पंचायत के हाथ में डायरेक्ट पावर्स होंगी और जो पैसा उन पंचायतों में आएगा वो उन पंचायतों में लगेगा और एक विकास की जो रफ्तार है वो और तेज होगी, क्योंकि इससे पहले अगर पंचायती चुनाव होते थे तो वहां पर सरपंच पंचायत के हाथ में इतनी पावर्स नहीं होती थी, जो सरपंच पंचायत है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डमी महसूस करते थे। लेकिन इस बार जो ऐलान किया गया है, जो पंच सरपंचों के हितों की बात की जा रही है कि उनका बीमा भी किया जाएगा 2 लाख से भी ज्यादा का और जो पावर्स है वो डायरेक्ट अब सरपंच पंचायत के हाथ में होगी, तो ये सशक्तिकरण कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि पंचायतों का सशक्तिकरण होगा यानी आने वाले दिनों में पंचायतें ओवर एम्पावर होंगी। लेकिन ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखते थे अगर डेवलपमेंट पंचायतों में जो है वो होनी चाहिए, तो उसी के चलते आज जो वोटिंग प्रक्रिया है वो सुबह से लगातार जारी है और मेरे साथ भी कुछ पंच सरपंचेस भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कितने जरूरी थे और ये सब वोट अपना कास्ट करके आए हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, क्या कहना चाहते हैं कि कितना जरूरी था ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जम्मू कश्मीर में और ये पहली बार होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि विकास की रफ्तार और कितनी तेज होगी, कितने बड़े पैमाने पर अब डेवलपमेंट जो है वो पंचायतों में होगी? जी सर, मेरा नाम संजीव है, मैं पंगदौर पंचायत से पंच हूँ। ये जो इलेक्शन है सर, ये हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था इस इलेक्शन का। जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है, फर्स्ट टायर का जो सिस्टम था पंचायती इलेक्शन, उसके बाद अभी जो BDC का इलेक्शन हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद हम ये चाहते हैं कि 3rd ईयर है वो भी जल्दी कंप्लीट हो ताकि हमारी पंचायत जो है उनको कंप्लीट पावर मिल सके सर। लेकिन क्या लगता है कि पहले आपके पास इतनी पावर्स होती थी, आप फंड्स जो है वो डायरेक्ट अपने पंचायतों में लगा पाते थे, लेकिन इस बार जो पावर्स आपके हाथ में और जो डेवलपमेंट है वो अपने हिसाब से आप पंचायतों में करोगे? सर, ऐसा कि ये बताएं कि पहले पंच सरपंच थे पर लेकिन हमें लगता नहीं है कि उनके पास कोई पावर थी, वो एक डमी एज ए पंच गांव के काम करने के लिए थे, लेकिन पावर जो डेवलपमेंट थी उन्होंने आज तक बिल्कुल भी बहुत कम हुई है सर। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पावर जो है पंचायत और सरपंचेस के पास पावर जरूर आएगी सर। लेकिन आप वोट डाल के हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि आज हमें एक इस लोकतंत्र के इस महोत्सव में वोट डालने का मौका मिला और आज अपना चेयरमैन जो है वो ब्लॉक का चुनोगे? सर, जैसा हम वोट डाल के आए हैं हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी हम वोट डाल के आए हैं बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाल रहे हैं, एक एक आदमी अंदर जा रहा है पूरी सिक्योरिटी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए आपसे जानूंगा, आज आप वोट डाल के आए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों की बात करें जो कि आज पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है और क्या लगता है कि किस तरह से डेवलपमेंट अब आने वाले दिनों में पंचायतों में होगी? सर, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये चुनाव हो रहे हैं तो डेवलपमेंट को लेके ही हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आगे जो कैंडिडेट बने वो डेवलपमेंट को लेके ही चले, हमें भी साथ लेके चले, पूरी पंचायत को लेके चले, ये ना हो कि वो बने और डेवलपमेंट का काम हो ना, मैं चाहती हूँ कि वो बने और डेवलपमेंट ऑल ओवर हमारे एरिया की हो, जो बैकवर्ड एरिया रह गया है वो मतलब पूरा कंप्लीट हो। क्या लगता है कि पहले आपके हाथ में आज जैसे आप पंच हैं तो आपके हाथ में कभी पावर्स मिली थी आपको, जो इस बार देखने को मिल रहा है कि इस बार पावर्स आपको मिल रही है डायरेक्ट जो आपके खाते में पैसा आएगा और वो पंचायतों में लगेगा? सर, पहले डमी जैसे मतलब पंच और सरपंच थे, अब लग रहा है कि हाँ बनने का फायदा है, कोई पंच और सरपंच में पावर्स हैं, बनने का भी लग रहा है कि हम बने हैं तो हमारे में पावर्स हैं। चलिए, तो साफ तौर पर कहना है कि पहले जो पंच सरपंच होते थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को डमी महसूस करते थे, लेकिन अब पावर जो होंगी वो सरपंच पंचायत के हाथ में होगी और सबसे बड़ी बात
कि चेयरमैन जो है वो अब ब्लॉक्स का चुना जाएगा। यानी अगर सांबा जिला की मैं बात कर रहा हूं तो सांबा जिला के 9 ब्लॉक्स हैं और 9 चेयरमैन सांबा जिला के भी चुने जाएंगे। लेकिन अगर पंचायतों की विकास की बात की जा रही है तो ये सेकंड टीयर आज कंप्लीट होने जा रहा है और इस वक्त भी मैं एक आप देख रहे हैं कि मैं सांबा के ब्लॉक में मौजूद हूं। यहां पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है और ये सुबह 9 बजे शुरू हुई है और ये दोपहर को 1 बजे तक चलेगी और उसके बाद 3 बजे काउंटिंग होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस तरह से ये बड़े लोग जो पंच सरपंच वेट कर रहे थे कि ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो जल्द चुना जाए ताकि आने वाले दिनों में पंचायतें जो है वो और सशक्त हो और जो फाइनेंशियली जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो पंचायतें, तो उसी के लिए ये वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। तो आइए पहले देखिए हमारे ये खास विजुअल्स किस तरह से पंच सरपंच आज अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को चुनने जा रहे हैं। हाँ, आज हमने BDC इलेक्शन का वोट पोल कर दिया है तो आज शाम 4 बजे तक इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। जैसे कि बहुत दिनों से हम आपको बता रहे थे कि अभी हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि हमारे जो अटके हुए काम थे, जो कि हमारे पंचायतें डमी बनी हुई थी, आज तक उनको जो एक्चुअल में पावर्स मिलेंगी तो ये भी एक उसका सिस्टम का एक सेकेंड टीयर की बात करते हैं तो ये सेकेंड टीयर है जो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गिफ्ट दिया है, जबकि हमारी 370 धारा टूटने के बाद, क्योंकि अगर ये नहीं टूटती तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऐसी कोई इलेक्शंस हो पाती। तो 370 और 35 से टूटने के बाद ही ऐसे जो क्रांतिकारी स्टेप्स कह लो या ऐसे अच्छे स्टेप्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं जो कि हमारी डेवलपमेंट आगे बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे और हमें आगे बढ़ने में बहुत ही